मुझे वैसे फराह खान के घर से खाना आता रहता है, शिल्पा शेट्टी के घर से खाना आता रहता है, श्रुति सेनन के घर से खाना रेगुलर आता रहता है, कॉफी चाय चाय समोसे पकोड़े समोसे आलू पराठा लाइक आई थिंक ये तो फॉरगिवेबल लगती है, चेहरे में लिखा है गौ गौ इंसान, कुछ नहीं आता मुकेश, इट्स ओके। विराट कोहली प्लेइंग फुटबॉल, मैंने मुझे लगता है हर इंसान में एक अच्छाई है या अच्छाई हो सकती है, तो आपने अगर उन्होंने कुछ बुरा भी किया है तो उसमें अच्छा देखना चाहिए कि अभी 2 महीने पहले मेरी माँ गुजरी है तो मैं तो घर का खाना ही खाता था, तो अभी मुझे घर का खाना दूसरों घर में ढूंढने के बहुत नया एक शौक लगा कि जो मुझे घर का खाना खिलाना। Hey guys, I'm Piri Jangiani. Hey guys, this is Vivan Batena. Hello, मेरा नाम है मुकेश छाबड़ा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट and you're watching फिल्मी बीट। एक छोटा सेगमेंट है दिस और दैट, सो बेसिकली एक दूसरे को क्या पसंद है, आप लोगों को एक दूसरे के लिए आंसर करना है बेसिकली। ओह माय गॉड, सो फर्स्ट इज मतलब किसको क्या पसंद है, टी और कॉफी, सो उनसे शुरू करते हैं आप। फिटनेस की बात हुई तो मैंने पूछा था उनको शो पे कि यार मेरे वेट ही नहीं लूज हो रहा है मेरा, विवान ने कहा था कि 15 दिन में करवा सकते हैं हैं विराट कोहली प्लेइंग फुटबॉल, मैंने आई डोंट आई ऑनेस्टली आई हैव काइंड ऑफ नाउ क्रिकेट आई थिंक यू मोर फुटबॉल, हां फुटबॉल हो गया, मैं शिफ्ट हो गया और मैं फुटबॉल से भी अभी मैं थोड़ा सा ग्रेजुएट कर रहा हूं कुछ अलग चीजों में, क्योंकि मैं ज्यादा क्रिकेट हो गया, मतलब इतना क्रिकेट देख लिया ना कि वो चकदे में भी तो क्रिकेटर बना तो क्रिकेटर तो मैं कोच आई एम ट्राइंग टू वॉच अदर थिंग्स आल्सो नाउ, मैं क्रिकेट में बहुत हां फाइनल वाइनल्स तो जरूर देख, लूडो वॉच लूडो, हां लूडो। ओके, इंस्टाग्राम और फेसबुक, इंस्टाग्राम फॉर मी, आई थिंक इंस्टाग्राम ओके, रिवेंज और फॉरगिव, रिवेंज कभी नहीं फॉरगिव, आई थिंक ये तो फॉरगिवेबल लगती है, ओनली सो चेहरे में लिखा है गौ गौ इंसान, कुछ नहीं आता मुकेश, इट्स ओके, आई एम नॉट अ डोनर रिवेंज, या नो एनीथिंग, आई थिंक आई डोंट वॉन्ट टू साउंड सो बोरिंग, लेकिन मुझे लगता है हर इंसान में एक अच्छाई है या अच्छाई हो सकती है, तो आपने अगर उन्होंने कुछ बुरा भी किया है तो उसमें अच्छा देखना चाहिए कि वाई दैट पर्सन डिड समथिंग, मुकेश के पास वक्त ही नहीं है रिवेंज और इसके लिए, मुकेश के पास दोनों के लिए वक्त नहीं है, वही मैं बोल रहा हूँ, वो वक्त ही नहीं है उसके पास, वो सब ये सब सोचता ही नहीं, मतलब हाँ ठीक है बाद में देखते हैं, अभी मैं दूसरा शो का डालू, मेरी कास्टिंग डालू। ओके, घर का खाना या बाहर का खाना, मेरे लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो गया, बिकॉज अभी 2 महीने पहले मेरी माँ गुजरी है तो मैं तो घर का खाना ही खाता था, तो अभी मुझे घर का खाना दूसरों घर में ढूंढने के बहुत नया एक शौक लगा कि जो मुझे घर का खाना खिला सकता है, एक्चुअली हां दूसरों के घर का खाना इज मच मोर फन, या इट्स ऑलवेज फन, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि मैंने माँ के हाथ का खाना खाया, सडनली शी इज नॉट देयर एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्चुअली एंजॉय आउटसाइड फूड, बिकॉज या तो मैं उसके हाथ का खाता था या फिर अब मुझे अब प्लीज घर पे ले रहे हो यार, मैं सिंधी खाना खिलाती हूँ आपको, सिंधी कड़ी है ना, आलू टुक, मुझे वैसे फराह खान के घर से खाना आता रहता है, शिल्पा शेट्टी के घर से खाना आता रहता है, श्रुति सेनन के घर से खाना रेगुलर आता रहता है, फराह खान ने आपसे डब्बा मांगा, अरे यहाँ मतलब इतने डब्बे हैं मेरे घर पे, जब भी मैं किचन में जाता हूँ तो मेरे ऑफिस के लोग बोलते हैं कि सर ये सब फराह खान के हैं, बोला यार एक सेकंड वापस तो कर दो, और भी खाना आना है, और भी खाना आना है, तो मेरे घर में मतलब लगातार आई एम थैंक यू फरादी के घर से लगातार खाना, कृति के घर से लगातार खाना और शिल्पा के घर से लगातार ही खाना आता ही रहता है,
आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास ऐसे दोस्त हैं. बाकी मैं सोच रहा हूँ कि प्रीति विवान को किसी बात समझ में आए इन बातों से. नोटेड नोटेड. एक्चुअली मैं खुद कुक नहीं करती लेकिन मेरी मम्मी जो है बहुत अच्छा खाना पकाती तो माँ के हाथ का खाना. आई मैं व्हाट आई डू बाय सम डब्बास एंड ऑलरेडी गिव मी डब्बा अपने घर पे रख दूंगा. कलर कोडिंग करना पड़ेगा आपको. ग्रीन है मतलब. मैं दो दिन पहले खाना आया था फरक घर से कड़ी चावल हमारा मेरा अभी. मेकअप और विदाउट मेकअप. मैं ये बिना मेकअप के रह नहीं सकती. ऐसे एक्टर लोग हैं. एक्चुअली आई हेट मैं तो क्या करूं कि आप लोगों का काम है. मुझे आदत नहीं है इसको. आदत नहीं है मेरे को तो. आदत नहीं बट अभी मतलब जो रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से मतलब कर लो. ऑनलाइन शॉपिंग और मॉल्स. ऑनलाइन नाउ. Yeah, online, online, मुझे बहुत बोरिंग लगता है ऑनलाइन शॉपिंग. मुझे लगता है जब तक आप घूमने नहीं जाओ सामान देख विंडो शॉपिंग ना करो पहले उसके बाद क्या खरीदोगे. हाँ एक्चुअली द एक्सपीरियंस ऑफ इट इज गॉन. मतलब वो हाँ जरूरत पूरी करने के लिए फटाफट वो हो जाता है बट मजा जो है वो एक्चुअल शॉपिंग. आई थिंक वो शॉपिंग एक इवेंट होता है माँ के साथ जाके शॉपिंग करने वाला. मतलब दिवाली आने वाले शॉपिंग पे चलेंगे. अब तो ऐसा हो गया बैठे बैठे भी अब बस में बैठे ऑर्डर करके. आप यू मिसिंग दैट एक्सपीरियंस. तो बट वो करना चाहिए. मैं तो अभी भी जाके मतलब शॉपिंग कर लेता हूं. ओके लास्ट वेब सीरीज और मूवीज. डैम टफ. आई थिंक अभी अभी फिलहाल जिस तरह हालत चल रही है आई थिंक वेब सीरीज. नहीं आई डोंट एग्री विद द हालत बिट बट या वेब शो गिव्स एन अपॉर्चुनिटी कि आप अलग किस्म के मोर रिस्की रोल्स कर सकें और मोर रिस्की स्टोरीज बता सकें. और जवान सत्यप्रेम कथा और डंके आने की. और फिर यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ महारानी और फिर कफा फिर चमक और फिर स्कैम टू. तो मेरे को तो फिर वो फर्जी है. तो मुझे तो दोनों तरफ का बैलेंस करना पड़ा. मेरे एक अच्छी चीज़ होती है वेब सीरीज में कैरेक्टर को दिखाने के लिए और कैरेक्टर डेवलपमेंट में ज्यादा वक्त मिलता है बिकॉज स्क्रिप्ट में ज्यादा आई मीन दस ड्यूरेशन. फिल्म में वो नहीं होता ऑफ कोर्स बट फिल्म का एक अलग ही मजा है विच यू कांट कंपेयर. बट नाउ अभी जिस तरह से चल रहा है इट्स लेट मी से इट दिस वे द मेन डिफरेंस इज कंटेंट हैवी एज कंपेयर्ड टू एस्थेटिक यू नो थिंग. सो फिल्म इज मोर आल्सो अबाउट द एस्थेटिक एंड द ब्यूटी. दिस इज मोर कंटेंट स्क्रिप्ट ड्रिवन. So that is one thing. But listen, the joy of watching a movie in the theater. Yeah. As a family, as an Indian audience, yes. उसका कोई comparison. I would love to watch. Watching Patna Beti. But और किसने जवान को कल release करा दो मैं ये बोल request करता था. Well, thank you so much. बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके.